खंडवा हलचल शहर के तरोताजा हालात को लेकर आपके साथ मैं हूं शुभम। आइए शुरुआत करते हैं शहर की कुछ मुख्य गतिविधियों से। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल का हुआ शुभारंभ। अधिवक्ता संघ खंडवा के सदस्यों ने रखी रोजा इफ्तार पार्टी। डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने किया मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना का शुभारंभ। बेगम पार्क का गुणवत्ता हित कर प्रणाली से हो रहा है निर्माण। और अब गतिविधियां विस्तार से। पूरे प्रदेश के साथ खंडवा में भी मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल का शुभारंभ एक भव्य आयोजन के रूप में हुआ। प्रदेश सरकार द्वारा मजदूर वर्ग के लिए हाल ही में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल गरीबों के लिए वरदान साबित होगी। इस योजना के तहत मजदूर वर्ग के परिवारों के बच्चे निशुल्क पढ़ाई कर सकेंगे। मजदूरों के परिवार की महिलाओं को प्रसव के समय आर्थिक सहायता मिलेगी। मजदूर परिवारों के सदस्यों का निःशुल्क उपचार होगा तथा मजदूर की मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता, अनुग्रह सहायता व 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। यह बात विधायक देवेंद्र वर्मा ने गौरीकुंज सभागृह में खंडवा विकास खंड के हितग्राहियों को संबल योजना के तहत सहायता राशि के चेक वितरित करने से पूर्व संबोधित करते हुए कही। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 12-13 वर्षों में गरीबों के लिए जितनी जनकल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की है उतनी पूरे देश में अन्य किसी राज्य में नहीं की गई है। कार्यक्रम में महापौर सुभाष कोठारी, जनपद अध्यक्ष चंद्रकला पटेल, जिला भाजपा अध्यक्ष हरीश कोटवाले, रोगी कल्याण समिति के सदस्य सुनील जैन सहित विभिन्न पार्षदगण, जनपद सदस्य व अन्य जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी की एक ऐतिहासिक जन कल्याणकारी योजना, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश के लगभग अगर हम कहें कि 2.5 करोड़ आबादी को लाभ होने वाला है, ऐसी असंगठित श्रमिकों को हित लाभ। आज पूरे मध्य प्रदेश में सभी ब्लॉकों में इस प्रकार का हितग्राही सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में हमारे खंडवा विकास खंड का, खंडवा जनपद का हमने यहाँ पर ये हितग्राही सम्मेलन आयोजित करा। इसके माध्यम से हमारे खंडवा जनपद के लगभग 50,000 परिवारों को आज हमने हित लाभ के पत्रक बांटे हैं। इसके अंतर्गत हमारे मुख्यमंत्री जी ने वो सभी सुविधाएं जो कहीं ना कहीं बीपीएल परिवारों को मिलती थी, उससे एक कदम और आगे बढ़ाकर इस प्रकार की सभी योजनाओं का लाभ इस प्रकार के असंगठित श्रमिकों को दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत अगर हम कहें कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, इससे शौचालय का लाभ, इसके साथ साथ अगर परिवार में कोई मृत्यु होती है तो 4 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, और अगर कोई गंभीर बीमारी होती है तो 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा, और अंत्योष्टि के लिए 5,000 रुपये, इसके साथ साथ बच्चे की नर्सरी से लेकर PhD तक निःशुल्क शिक्षा, इस प्रकार की अनेक योजनाएं इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है। और निश्चित रूप से हिंदुस्तान के इतिहास में पहली एक इस प्रकार की योजना है जिसमें कि अगर हम कहें कि 1 हेक्टेयर से छोटा किसान जो सरकारी सेवा में नहीं है, इनकम टैक्स नहीं भरता, इस प्रकार अगर हम कहें कि एक बहुत बड़े वर्ग को इस योजना में शामिल किया गया है और जनता में उत्साह है, प्रत्येक परिवार आज इस योजना का लाभ लेने जा रहा है, तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान में ये एक योजना एक अपना एक नया इतिहास रचेगी। और निश्चित रूप से हम बहुत बहुत बधाई देते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी को, जिन्होंने मध्य प्रदेश के इतने बड़े वर्गों को बगैर किसी जाति समुदाय के भेद के मध्य प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को आज इस योजना का लाभ देने का काम करा है। जहाँ इस योजना में शहर का एक गरीब जुड़ेगा तो वहीं गांव का एक खेतीहर मजदूर, छोटा काश्तकार भी इस योजना का लाभ लेगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शहरी क्षेत्र का हमारा शाम को 5 बजे से कार्यक्रम है जिसमें कि हमारे हाट ठेला चालकों को ई रिक्शा भी वितरित किए जाएंगे। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से इसके माध्यम से समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा उत्थान होगा, उसके हित में ये योजना एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अधिवक्ता संघ खंडवा के सदस्यों ने रमजान के पवित्र माह में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। रमजान के पवित्र माह के अवसर पर पूरे देश के साथ खंडवा में भी रोजा रखकर मुल्क की तरक्की और अमन चैन की दुआ की जा रही है। बुधवार को खंडवा में अधिवक्ता संघ द्वारा रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अधिवक्ताओं ने एक साथ रोजा खोलकर इफ्तार किया। इस दौरान अधिवक्ता संघ के सदस्य ने बताया, अधिवक्ता संघ खंडवा ने ये पहल की है कि हमारे मुस्लिम भाई लगभग 50 के करीब हमारे संघ में है और हम 24 घंटे साथ में रहते हैं। जीवन का 5 घंटा हम सभी हमारे भाइयों के साथ बिताते हैं, तो हमारे मन में ये आया कि क्यों नहीं अपने भाइयों के लिए रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाए। पिछले वर्ष भी हमारे संघ ने किया, इस वर्ष भी हमने हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए रखा है और इस रमजान के पवित्र त्यौहार के समय पर मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि हम सब में जो भाईचारा हमारे अधिवक्ता संघ में बना हुआ है, हम लगभग 450 वकील हैं और जो एक आत्मीयता के साथ जीवन जीते हैं, इस पर अल्लाह ताला रहमत बरसाएं, यही मैं दुआ करता हूँ। अब वक्त चला छोटे से अंतराल का, हम जल्दी हाजिर होंगे कुछ अन्य गतिविधियों के साथ। देखते रहिए खंडवा हंज। साल पहले एक एक्सीडेंट के दौरान मेरी एड़ी में फ्रैक्चर हो गया था। इलाज के बाद मेरे पैर में लचक आ गई थी। मुझे लगने लगा कि अब मैं ठीक से जीवन भर कभी चल नहीं पाऊंगा। इस दौरान मुझे डॉक्टर नितेश कुमार टांडिया का पता चला, जिन्होंने मेरा पुनः इलाज करा और आज उन्हीं की वजह से मैं वैसे ही चल पा रहा हूं जैसे एक्सीडेंट के पहले चल पाता था। तो दोस्तों देखा आपने, यही नहीं देश भर के ऐसे कई मरीज जो कि हड्डियों की असाध्य बीमारियों से पीड़ित थे, वे आज डॉक्टर नितेश कुमार टांडिया से इलाज करवाकर स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। अमूमन देखा गया है कि लोगों को पालकी लगाकर बैठने में तकलीफ होती है, घुटने दर्द होते हैं, जोड़ दर्द होते हैं, कमर कूले और न जाने कितनी समस्याएं उनको होती रहती है और वो कहते हैं कि उम्र का तकाजा भर है। मेडिकल साइंस भी सिद्ध कर चुका है कि हड्डियों के असाध्य बीमारियों को उम्र का तकाजा बताना महज एक बहाना है। अब आपके या आपके परिवार में से कोई भी इनमें से किसी भी बीमारी में से अगर पीड़ित है तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है और न ही आपको किसी बड़े शहर में जाना है। डॉक्टर नीतीश कुमार टांडिया, MBBS, MS ऑर्थो और MCH ऑर्थो इंग्लैंड, साउथ कोरिया, इंग्लैंड, दिल्ली, इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सेवा दे चुके डॉक्टर नीतीश कुमार टांडिया से परामर्श कर सकते हैं प्रति रविवार अब खंडवा में। जोड़ प्रत्यारोपण, कमर दर्द, दूरबीन द्वारा जोड़ों का इलाज एवं किसी भी प्रकार के फ्रैक्चर एवं हड्डी की किसी भी बीमारी का सर्वोत्तम इलाज, परामर्श हेतु संपर्क करें नजर मेडिकल स्टोर घंटाघर के पास खंडवा। और हाँ, हमारी ऐसी माता बहनें जो माहवारी की अनियमितता, बांझपन, गर्भपात, गर्भधारण इत्यादि समस्याओं से पीड़ित है, उनके लिए देश की जानी मानी डॉक्टर कोमल तनुजा अब प्रतिदिन उपलब्ध है नजर मेडिकल घंटा। खंडवा हलचल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब गतिविधियां मिली जुली। विकासखंड खालवा में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री ने योजना के हितग्राहियों को सहायता राशि भी वितरित की। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के तहत सहायता राशि वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ आज जिले के सभी जनपद एवं नगरीय निकायों में एक साथ किया गया। खालवा जनपद पंचायत के ग्राम आशापुर में मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के शुभारंभ अवसर पर आयोजित विकासखंड स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह उपस्थित थे।
उन्होंने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन श्रमिकों के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन मजदूरों के लिए आनंद एवं उत्सव तथा प्रसन्नता का दिन है, क्योंकि असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना आज प्रारंभ हो रही है। कार्यक्रम में जनपद खालवा के अध्यक्ष अमित चौहान, उपाध्यक्ष हरीश यादव सहित विभिन्न जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों के लिए अनेकों तरह से मददगार सिद्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को बिना जातिगत भेदभाव के रियायती दर पर 1 किलो रुपए में गेहूं, चावल व नमक तथा खालवा के आदिवासियों को 10 रुपए किलो दर पर तुअर दाल उपलब्ध करा रही है। गरीबों का अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो रहा है। अस्पताल तक आने जाने के लिए सभी को 108 एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है। गरीब पंजीवत मजदूरों को 200 रुपए फ्लैट रेट पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। सौभाग्य योजना के तहत गरीबों को बिजली के निःशुल्क कनेक्शन भी दिए जा चुके हैं। शहर के निर्माणाधीन बेगम पार्क का गुणवत्ताहीन कार्यप्रणाली से निर्माण होने पर रहवासियों ने आक्रोश जताया। विगत दिनों शहर के बेगम पार्क का भूमि पूजन विधायक देवेंद्र वर्मा और महापौर सुभाष कोठारी ने समारोह पूर्वक किया, जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। लेकिन ठेकेदार द्वारा पार्क के निर्माण कार्य में की जा रही लापरवाही पर रहवासियों ने गहरा आक्रोश जताते हुए अपनी बात रखी। रहवासियों ने बताया कि गुणवत्ताहीन सामग्री का प्रयोग निर्माण में किया जा रहा है, जिससे भविष्य में पार्क में पर्याप्त सुविधाओं का लाभ रहवासियों को नहीं मिल सकेगा। इस दौरान रहवासियों ने अपनी समस्या कुछ इस प्रकार रखी। अरे बेगम पार्क में भाई परसों से काम चल, अभी काम चालू हुआ तो वार्ड वाला बताया कि गड्ढे भी एक एक फीट खोदे, बाद में फिर शिकायत करी तो फिर तो दो फीट गड्ढे खोदें, और अभी देखा है तो पुरानी ईंट से ही मतलब जुड़ाई और डस्ट से पूरी जुड़ाई हुई है, बीम भी भरे हैं डस्ट से। अब मैं नगर निगम अधिकारी से पूछना चाहता हूँ कि डस्ट से बीम भरा जाते हैं या जुड़ाई की जाती है, और ये पुरानी दीवार पर देखिए आप, पुरानी दीवार पर ही दीवार उठी जा रही है क्या? कच्ची दीवार, कच्ची दीवार है पूरी, और इस पर ही मतलब पूरा हो रहा है। अभी बताइए कि ये जब जाली है, जाली का जाली क्या दाम रखेंगे? इससे पहले पुरानी जाली मजबूत थी, ये जाली पूरा क्या मजबूत दाम? जाली तो टिकी नहीं वाली। अब मेरा निवेदन है नगर निगम करंसी अपने अधिकारी से एवं महापौर जी से कि महापौर जी बगीचा बनाए तो अच्छा बनवाइए, ये तो फिर बंद करिए, मतलब नहीं ये मतलब ही नहीं कोई खानापूर्ति करके कि इंसान मट्टी पोत रहा, मट्टी पुतवा लो वही काम कर लेते हैं ना। अभी मैं एक घंटे से खड़ा हूँ, एक अधिकारी आने को तैयार नहीं है, कमिश्नर को फोन लाया, मालवीय को फोन लाया, एक भी आने को तैयार नहीं है। जो है इसकी जुड़ाई चल रही है और यहाँ पुरानी दीवार के ऊपर दीवार बनाई जा रही है, और ये यहाँ भी नीचे भी पुरानी ईंटें लगी हुई है, और ये जालियाँ भी हल्की ना तरी हो रही है इसके ऊपर। अब ये ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, फिर ये एक बार अगर हो रहा है काम तो अच्छे से हो जाए, नहीं तो काम ही नहीं हो। खंडवा हलचल आप सभी दर्शकों के लिए एक नई सौगात लेकर आए। अब आप हमारे द्वारा दी गई प्रस्तुतियां टेलीविजन के साथ साथ कहीं भी कभी भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। अब हमारे किसी भी अपडेट से चूक ना जाए इसलिए हमारे चैनल खंडवा हलचल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एक बात और, यदि आपके द्वारा या आपके आसपास कोई धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक गतिविधि हो तो हमें सूचना हमारे व्हाट्सएप नंबर 9685031616 पर अवश्य दें। हम उस गतिविधि का सीधा प्रसारण भी कर सकते हैं। हम आपके शिकायतों का समाधान जल्दी करने का प्रयास करेंगे। हम आपके सहयोग के लिए अग्रिम रूप से कृतज्ञ हैं। इतना ही, खंडवा हलचल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।